22 सितंबर को प्रदेश सरकार के खिलाफ युवा हुंकार रैली के सौजन्य से एक बिगुल बजाया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से 1,00,000 से अधिक युवा कार्यकर्ता इस हुंकार रैली में शामिल होंगे। ये कहना है भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष विशाल चौहान का। नूरपुर में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद पत्रकार वार्ता करते हुए चौहान ने कहा कि इस हुंकार रैली का प्रमुख कारण प्रदेश सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाने, बेरोजगारी भत्ता देने जैसी कई बातें की थी, लेकिन आज तक उसको पूरा नहीं किया है। ये उसी का प्रतिकार है। उन्होंने कहा कि इस सरकार से प्रदेश की जनता पूरी तरह त्रस्त है, क्योंकि सरकार ने विकास करवाने की बजाय नशाखोरी, अवैध खनन, वन माफिया जैसी कुरूतियों को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सरकार बिना बजट के शिलान्यास करने के कार्यक्रमों में लगी है, ताकि जनता को कोरी घोषणाओं से बरगलाया जा सके, लेकिन जनता इस सरकार की नीति और नीयत को भलीभांति समझती है और विधानसभा चुनावों में भाजपा 50 से ज्यादा सीटें जीतकर प्रदेश में सरकार बनाएगी। 22 सितंबर 2017 हिमाचल प्रदेश के लिए एक निश्चित तौर से ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि उस दिन 1,00,000 से ज्यादा युवा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के नगर परिषद मैदान में इकट्ठे होने वाले हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा हिमाचल प्रदेश ने पिछले 1 साल में 1,00,000 से ज्यादा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ जोड़ा है और उनकी एक रैली, युवा हुंकार रैली 22 सितंबर को हम करने वाले हैं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस रैली को संबोधित करने के लिए इस देश की राजनीति के चाणक्य भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी अध्यक्षता में पार्टी ने ऊंचाइयों को छुआ है, श्री अमित शाह जी रहने वाले हैं। पिछले विधानसभा के चुनावों में इस कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस के पार्टी के मुखिया, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र जी ने हिमाचल की जनता को ठगा है। हिमाचल के युवाओं को ना रोजगार दिया, ना बेरोजगारी भत्ता दिया, हिमाचल के युवाओं को दिया तो नशा दिया। आज नशा माफिया हिमाचल के अंदर हावी है, नशा माफिया हिमाचल की सरकार को चला रहा है। अगर हम रोज मीडिया के अंदर देखें, हिमाचल प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं नशे का कारोबार किस प्रकार से बढ़ रहा है, यह हम सब के लिए चिंता का विषय है।